यस फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 10th स्टूडेंट के स्टूडेंटों का इस आपके अपनी कैरियर एकेडमी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज से अपन 10th इंग्लिश मीडियम की साइंस की स्टडी स्टार्ट करेंगे। और रखता हूँ कि आप सब लोग घर में बैठ के इस वीडियो के माध्यम से अपने नोट्स तैयार करेंगे और अच्छे से उसको लर्न करेंगे। किसी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट तुम्हें नहीं आएगा। चैप्टर वाइज वीडियोस आपको, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में अपने 10th क्लास की फोल्डर बना हुआ है उसके अंदर अपलोड किया जाएगा। और इसके साथ में आपको एक चीज और बता दूं कि 10th क्लास के जो प्लेलिस्ट के अंदर आपके हिंदी के, इंग्लिश के और ये सब्जेक्ट के भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उनको भी लर्न करेंगे। आज से अपन स्टार्ट करेंगे, वो अपना चैप्टर फर्स्ट है, वो है इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, अपन फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है अपना, वो है इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिक्स का पोर्शन तुम्हारा है। इसके अंदर कुछ अपन इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इसके सेकंड पोर्शन में अपन मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, एक चैप्टर के अंदर अपन वर्क एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे, और एक चैप्टर में अपन लाइट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रिज्म में क्या चीज होती है, ये सारी चीज, मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट अपना जो टॉपिक आया वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर आज अच्छे से स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने करंट का नाम अच्छे सुना होगा, प्योर या उसके तो करंट लग गया, तो वो करंट लग गया वो क्या चीज था, उसमें क्या था ऐसा जो लग गया, तो वो सारी चीज आज इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट करंट को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि चार्ज नाम का जीव है वो क्या होता है, चार्ज क्या चीज होती है। अपन ने हमेशा देखा है कि एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव हमने देखा ही है रेगुलर लाइफ में, तो वो चार्ज क्या होता है, इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो छोटी सी बेसिक चीज अपन ज्यादा डीपली इसके अंदर अपन फर्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तो चार्ज के अंदर अपन कैपिटल क्यू से गैस बॉन्ड क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज की यूनिट होती है इसको मेजर करेंगे वो किसमें करेंगे बच्चों? कूलम में करेंगे। किसमें करेंगे? कूलम में करेंगे, जिसको सी लिखते हैं। नॉर्मल नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि चार्ज क्या चीज होती है। चार्ज बच्चों किसी मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? किसी भी मेटेरियल की, जैसे अपन कोई कंडक्टर मेटेरियल लेते हैं उसके अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है कि चार्ज क्या काम करेगा, चार्ज क्या क्या कर सकता है। तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, या चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है कि जैसे चार्ज अपन लिख देते हैं कि चार्ज किसमें रहेगा, रेस्ट पोजिशन में रहेगा। कैसे रहेगा बच्चों? रेस्ट। यदि चार्ज रुका हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और यदि चार्ज मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूविंग विद वेलोसिटी में चार्ज मूव कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड वन है, यदि चार्ज एक्सीलेट हो रहा है, एक्सीलेट हो रहा है मतलब टाइम के साथ उसकी स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, बार बार वेलोसिटी चेंजेस आ रही है, तो अपन उसको क्या बोल रहे हैं? तो इसके अंदर बनेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेगी, जैसे तुम लोगों ने नाम सुना होगा एक्सरे, गामा रे, और ये सारी चीज जैसे अल्ट्रावायलेट रे, ये सारी रेज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, तो उनके बारे में स्टडी होता है। तो फिलहाल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन को ध्यान रखना है कि चार्ज क्या होता है, कि चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, उसको अपन चार्ज को क्यू या कैपिटल क्या स्मॉल क्यू से लिखेंगे, और इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम होती है। और ये टू टाइप्स होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कितने टाइप्स होते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव। एक प्रॉपर्टी इसमें ध्यान रखना तुम्हें, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव बीच में हमेशा बच्चों क्या रहती है? दुश्मनी रहती है। क्या रहती है? क्वालिटी ऑफ दुश्मनी रहती है। दुश्मनी मतलब रिपेल करेंगे, पास पास में नहीं आएंगे, लेकिन प्लस के पास माइनस आएगा तो उसमें क्या हो जाएगी? दोस्ती हो जाएगी, मतलब उसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन। इसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, आगे भी अपने ये काम आएगी। क्लियर है चीज? तो आज हम जो पढ़ेंगे कि वो करंट पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नाम सुना है? प्रोटॉन बोले तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव। जैसे कोई एटम होता है, एटम का न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन में वैसे भी चार्ज का होता है जीरो, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं आकाश के ऑर्बिट्स के अंदर रहते हैं। ये अपने लाइफ क्लास में पढ़े, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं इसलिए वो घूमते हैं, और अपन फ्लो करेंगे वो कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। कौन करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगी। आगे तो आज अपना जो फर्स्ट हेडिंग है वो क्या है? करंट। ये चीज तो मैं नोट आउट कर ली, चार्ज ये होता है, क्यू होता है, यूनिट कूलम होती है, यू होता है, यू होता है, यू होता है। ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करंट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो करंट क्या चीज होती है? करंट तो बहुत ही अच्छी चीज होती है। कैसी चीज होती है?
अच्छी क्यों अच्छी होती है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं अभी कि करंट होता है, अपन सबसे पहले अपन कोई भी चीज पढ़ेंगे ना उसको अपन ऐसे लिखेंगे कि करंट को पहले तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अपन बार बार करंट जैसे राकेश कुमार किसी नाम लगभग शॉर्ट फॉर्म में आर के लिख देते हैं, वैसे करंट को अपन क्या लिखेंगे, करंट को लिख दिया आई, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और अपन इसकी यूनिट होती है, यूनिट मतलब इसको किस में मेजरमेंट करेंगे, वो होता है एम्पियर। क्या होता है बच्चों, एम्पियर, एम्पियर इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखना करंट को जानोगे तो मेजर करेंगे एम्पियर होती है। और मेजर करेंगे किससे, इसका मेजरमेंट करेंगे किससे, उस इक्विपमेंट का, जिस इक्विपमेंट से अपन इसका क्या करेंगे मेजरमेंट करेंगे। अभी मैं सारे इक्विपमेंट बताऊंगा तुम्हें, वोल्टमीटर कैसा होता है, एमीटर कैसा होता है, रियोस्टेट कैसा होता है, सारे इक्विपमेंट अभी मेरे पास पड़े हैं, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इक्विपमेंट इसको जो मेजरमेंट करेगा उस इक्विपमेंट का नाम है एमीटर। क्या नाम है बच्चों, एमीटर। क्या नाम है, एमीटर। एमीटर कैसा होता है वो देखो, तो ये करंट है। अब करंट की डेफिनेशन अपन क्या देंगे कि जैसे कोई कंडक्टर है, जैसे कोई कंडक्टर है उसके अंदर अपन को पता है इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक स्पेशल डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट की एक डेफिनेशन, दो डेफिनेशन मैं बताऊंगा, आराम से तुम्हें देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से घर पे बैठ के तुम लोगों को सॉल्व करना है, इसको डेफिनेशन को पढ़ना है। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्या है Q upon T। थोड़ी थोड़ी देर पहले मैंने बताया Q क्या होता है बच्चों, Q होता है चार्ज। क्या होता है, चार्ज, चार्ज मतलब चार्ज होता है, और T है वो क्या है बच्चों, टाइम। क्या है, टाइम। इधर साइड में मैं लिख देता हूं, वेयर Q इक्वल टू चार्ज एंड T इक्वल टू टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये टाइम क्या है, यूनिट है, अपॉन आ गया मतलब क्या, यूनिट है, तो यूनिट टाइम में क्या फ्लो है, चार्ज फ्लो है, क्यू फ्लो है, तो यूनिट टाइम में कितना क्यू फ्लो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, प्रॉपर यूनिट टाइम कितने चार्ज का कितनी क्वांटिटी फ्लो हुई, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट धीरे से अपनी नोटबुक के अंदर अपने अच्छे से पेन से अच्छे से राइटिंग से डेफिनेशन लिखेंगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज रिप्रेजेंट बाय आई, इट्स यूनिट इज एम्पियर, और जिस इक्विपमेंट से अपन इसको मेजरमेंट करेंगे उसको अपन बोलेंगे एमीटर। दूसरी डेफिनेशन यदि तुम लिखना चाहो तो करंट के लिखेंगे द फ्लो ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ए फ्लो ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम, पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम is known as electric current, is known as electric current। ये तुम्हारी दो डेफिनेशन होगी, I equal to Q upon T, इसका फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट हेडिंग अपन डालेंगे वो है कि 1 एम्पीयर की अपन यूनिट, अपन ये एम्पीयर चलो होगी, अब अपन 1 एम्पीयर की बात करें, किस एम्पीयर की, ये सारी चीज समझने वाली बात है, बहुत ही सिंपल वाली बात है, बचपन वाली बात है, बच्चों वाली बात है कि अपन डेफिनेशन दे दो कि 1 एम्पीयर करंट की डेफिनेशन दो। अब आपको पता है एम्पीयर क्या है, इसकी यूनिट है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। अब बताओ इसकी आई की 1 कब आएगी, 1 कब आएगी जब इसकी भी 1 और इसकी भी 1, अपन यूनिट मानेंगे तो चार्ज भी क्या होना चाहिए, एफ ऑफ क्यू इक्वल टू 1 कूलम और टी इक्वल टू 1 सेकंड। यदि 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज हो किसी भी कंडक्टर से या किसी भी पॉइंट से या किसी भी वायर से, 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 एम्पीयर करंट बोलेंगे। बात समझ आ गई, सिंपल सी बात, यदि Q की वैल्यू 1, T की वैल्यू 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है तो 1/1 इक्वल टू 1 एम्पीयर। ये डेफिनेशन है 1 एम्पीयर की, डेफिनेशन लिखेंगे इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू ए पॉइंट, इफ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकंड देन द करंट इन दैट सर्किट विल बी 1 एम्पीयर इन 1 सेकंड, वो अपनी है क्या, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों आराम से तुम लोगों को इसको लिखना है, अच्छा आराम से पढ़ना है, इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, और बहुत ही आनंद आएगा, मजा आएगा घर पर बैठे बैठे कि कैसे पढ़ते हैं।
सेकंड हेडिंग अपना पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो लोगों में बार बार सर्किट बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, सर्किट फ्लो इन सर्किट, करंट फ्लो इन सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। तो ये सर्किट क्या चीज होती है? देखो सर्किट कोई बड़ी चीज नहीं होती, आप जिस भी इक्विपमेंट में जिस करंट में फ्लो करवाते हैं, जैसे मैंने ये बैटरी लगाई, क्या लगी अभी इक्विपमेंट के कुछ सिंबल है वो भी बताओ, ये बैटरी लगा दी पॉजिटिव नेगेटिव, ये की लगा दी, क्या लगा दी बच्चों, की लगा दी, और इसके अंदर कोई भी रजिस्टर लगा दिया या बल्ब लगा दिया, मान लिया रजिस्टर लगा दिया बल्ब लगा दिया, जो भी तुम लोगों को लगा रहे हो सर्किट के अंदर जोड़ो, अपन को देखना है कि पॉजिटिव से लेके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लेके पूरा का पूरा ये क्लोज पाथ है, क्या है, कंटिन्यूस है और क्लोज पाथ है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। यदि डेफिनेशन लिखना चाहो तो तुम लिख भी सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो, ये कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ, एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक होता। यदि कंटिन्यूअस और क्लोज पाथ है तो एक सर्किट में करंट स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यह चीज तुम लोगों को थोड़ा सा क्या रखना है, याद रखनी है। अब देखो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल क्या चीज होती है? नॉर्मली तुम लोगों को प्रैक्टिकली बात बताते हो कि पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज सुनते ना, आज तो वोल्टेज डाउन है इसलिए एसी नहीं चल रहा है, आज तो वोल्टेज डाउन है इसलिए पंखे धीरे चल रहे हैं, तो ये पोटेंशियल क्या चीज होता है, प्रैक्टिकली बात करते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। कि बच्चों देखो जो कंडक्टर होता है ना उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। करंट क्यों चलता है मुझे तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, देखो ये कंडक्टर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो करंट भी ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं कि लकड़ी गुजर दी और लकड़ी मारे यार लकड़ी में करंट नहीं आ रहा, लकड़ी में करंट नहीं आएगा, प्लास्टिक में करंट नहीं आएगा, रबड़ में करंट नहीं आएगा, लोहे में करंट आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, स्टील में आएगा, आयरन में आएगा, इसमें सिल्वर में आएगा, गोल्ड में आएगा, कॉपर में आएगा, ये सब में आएगा, क्यों आएगा उसमें, उसमें क्यों नहीं आएगा, वो कंडक्टर और इंसुलेटर इस टाइप से दो मटेरियल होते हैं बताऊंगा। तो फिलहाल देखिए कंडक्टर है, कैसा कैसा मटेरियल है, कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर देखो कोई भी मैटर बना हुआ होता है वो किससे मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स के अंदर किससे मिलकर बना होता है, एटम से, और अपन को पता है एटम के बारे में जानते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन और बाहर से इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो न्यूक्लियर फोर्स से अंदर बंधा हुआ रहता, बाहर आ नहीं सकता, बाहर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर इजीली क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, क्या होते हैं, फ्लो। तो ये इलेक्ट्रॉन देखो जब तक बाहर का कोई फोर्स नहीं लगा होता है ना, बाहर से कोई पोटेंशियल नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस जिगजैग पाथ में मूव करते हैं, कैसे करते हैं, इधर उधर करते हैं, इधर करते हैं बच्चा, इधर उधर करते हैं, एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा, तो इसको बोलते हैं जिगजैग पाथ, कैसा पाथ बोलते हैं, जिगजैग पाथ, ये जिगजैग पाथ पे करेंगे वो, तो इसके कारण करंट फ्लो होगा वो कैंसिल कर देगा एक दूसरे के कारण, और जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इसका जो आएगा वो क्या आएगा, एवरेज करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, इसलिए कभी भी ऐसे अपन डायरेक्टली अरेंज वगैरह का आता करता करंट नहीं आता। जब अपन इसकी बात करते हैं पोटेंशियल, क्या करते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल दे देते हैं, जैसे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, जैसे इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक साइड पोटेंशियल ज्यादा एक साइड कम, हमेशा आई टू लो ही जाता है, तो ज्यादा कम होगा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉनों को, तो इलेक्ट्रॉनों को फोर्स करके लगा के सारे सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर नहीं जाने देंगे, सबको सब क्या करेंगे एक ही डायरेक्शन में लाएगा, सबके सब एक ही डायरेक्शन में लाएगा, तो ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉनों को एक ही डायरेक्शन में भेज रहा है, तो वो फोर्स अपना क्या है, वो है पोटेंशियल, वो फोर्स क्या है अपना, पोटेंशियल है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे एक चीज पहले चीज प्रैक्टिकली बताइए अपन को डेफिनेशन कैसे देनी है, तो इस डेफिनेशन आप लोग कैसे देंगे, ये 12th क्लास और भी ज्यादा पढ़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो है, जैसे एवरेज इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को अपन क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, ये अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो ये पोटेंशियल क्या चीज होती है, कि भाई एक चार्ज है, एक क्या है, चार्ज है, उसको अपन इंफिनिटी से, कहां से, इंफिनिटी से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, एक और चार्ज है, इसको अपन इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक लाएंगे, जैसे ये एक पॉइंट है, ये क्या है, इंफिनिटी से, तो इस इंफिनिटी से इसमें लाने में जितना वर्क का होगा, उस वर्क को अपन क्या बोलेंगे, उस वर्क को बोलेंगे इंफिनिटी, को एक पॉइंट तक अपन लाए तो उसको अपन बोलेंगे पोटेंशियल, क्या बोलेंगे बच्चों, पोटेंशियल, बीइंग ए चार्ज पार्टिकल, बीइंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट्स वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल। डेफिनेशन
इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन इन ए बीइंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जैसे ये कोई कंडक्टर वायर है मान लिया, इसके अंदर वी ए और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है वी बी ए, या वी ए और वहां पे कितना है वी बी ए, तो इन दोनों के बीच का जितना वोल्टेज का डिफरेंस होगा, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट ऑफ अ मेटलिक वायर और कंडक्टर जैसा बोलना चाहो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ये याद रखना कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि दो मेटलिक वायर के दो एंड पॉइंट है, उस एंड पॉइंट के दोनों एंड पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज का डिफरेंस है, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये याद रखना तुम्हें, तो इसका डेफिनेशन हो गया पोटेंशियल का, इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस पॉइंट तक अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगे किसी चार्ज को, तो उसमें कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इन दोनों के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्या होता है, जैसे मान लिया वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, वो अपना क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है चीज, अपन इसको डेफिनेशन में लिखेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग योर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो ये लिखेंगे इसका फॉर्मूला डेफिनेशन लिख देंगे, ये वर्क है, क्या करेंगे यूनिट चार्ज को ला रहे तो V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसका फॉर्मूला V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, इसकी यूनिट होगी देखो वर्क की होगी जूल, वर्क की क्या होगी जूल, और अपॉन चार्ज की क्या होती है बच्चों, चार्ज की होती है कूलम, क्या होती है कूलम, तो जूल अपॉन कूलम लिख सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं वोल्ट, क्या बोलेंगे वॉट नहीं बोलेंगे वोल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे वोल्ट, वोट आएगी वो पावर की यूनिट होगी, वो आगे होगी आप सबको इसको एक एक चीज को अच्छे से पढ़े, ये वोल्ट यूनिट होगी इसकी, इस वोल्ट में वोल्टेज को अपन जिससे मेजर करेंगे उस इक्विपमेंट का नाम है वोल्ट मीटर, क्या नाम है बच्चों वोल्ट मीटर, कैसा नाम है वोल्ट मीटर, इससे अपन इसको क्या करेंगे मेजर करेंगे। कलर चीज ये फॉर्मूला याद रखना अच्छे से, इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है वो है, वो नेक्स्ट हेडिंग से पहले हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, चलो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तुम्हें डालता हूं कि एक चार्ज क्या है, एक चार्ज है कितना चार्ज है बच्चों, 3 कूलम चार्ज, कितना कूलम चार्ज है 3 कूलम चार्ज है, क्यू इक्वल टू 3 कूलम दे रखा है, उसको तुम्हें ले जाना है, वर्क फाइंड आउट करना है, वोल्टेज की वैल्यू देखिए 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज तो अलग चीज, पोटेंशियल अलग चीज नहीं, पोटेंशियल वो एक वर्क डन है और पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस है, और अपन को पता है वोल्टेज का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना क्या होगा, कम होगा उतना क्या होगा, इसके लिए आगे अपन ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो ये फिलहाल ये ध्यान रखना, क्या आपको पता है इसका क्यू दे रखा है 3 कूलम, वी दे रखा है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से यहां तक माना बीच में 10 वोल्ट पड़ा है, एक चार्ज 3 कूलम को मैं यहां से यहां ले जाऊंगा तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, वो फाइंड आउट करना, बहुत सिंपल बच्चों, अपन को पता है V इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इक्वल क्या जाएगा V इंटू क्यू, तो W इक्वल टू V की वैल्यू 10, Q की वैल्यू 3, तो W इक्वल टू कितना हो गया 30 जूल, यहाँ पे हेडिंग आप यूनिट क्या लगेंगे जूल, क्यों क्योंकि वर्क की यूनिट क्या होती है जूल ही होती है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन हेडिंग क्या लगे वो कुछ सर्किट डायग्राम है और उसके सिंपल है, उसके लिए इक्विपमेंट भी अपन लेके आ जाओ, मैं वो भी आपको बताता हूँ। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग जो अपनी क्या है, इलेक्ट्रिक सिंबल ऑफ ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स है, उसके अंदर सबसे फर्स्ट वो है क्या, सेल, सेल तो नॉर्मल सुना होगा, सेल सुना होगा बैटरी सुनी होगी, तो सेल क्या चीज होती है, सब छोटा सा पावर यूज करते हैं उसके अंदर, तो वो क्या होता है एक उसके अंदर बड़ी लाइन होती है एक छोटी लाइन होती है, एक उसको छोटी वाली लाइन को बोलते हैं प्लस और बड़ी वाली, सॉरी छोटी वाले को माइनस और बड़ी वाले क्या बोलते हैं प्लस बोलते हैं, छोटी प्लस माइनस और बड़ी की प्लस, ये याद रखना। अब ये सेल होता है, एक सेल से एक से दो, एक सेल से ज्यादा, जिसमें दो सेल, तीन सेल, चार सेल, 25 सेल, 50 सेल ऐसे जोड़ दिए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बैटरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं बैटरी, ये ध्यान रखना। और बैटरी का जरिए जुड़ेंगे ना एड होना तो कैसे होगा बच्चों, ये पॉजिटिव नेगेटिव इसके साथ में वापस क्या जुड़ेगा पॉजिटिव से, और ये क्या होगा नेगेटिव, ये ध्यान रखना, इसके साथ पॉजिटिव वापस ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़े से नहीं, ये ऐसे जोड़ते हैं पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये सिस्टम होता
सेल पर से जोड़ा जाए जीरा नंबर क्लियर है इसको अपन क्या बोलेंगे बैटरी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी नेक्स्ट है प्लग की मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूं कि प्लग की क्या होती है अपन ये सीओ होती है कैसी होती है सीओ होती है इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि ऐसे माना के ऐसे करते हैं एक इसके अंदर पॉइंट लगाते हैं तो ये देखो पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है ऑन है क्या है ऑन ये क्या है ऑन और यदि पॉइंट लगा हुआ नहीं है तो उसको अपन क्या बोलेंगे ऑफ क्या बोलेंगे ऑफ ऑफ का नाम होता है ओपन ऑफ को क्या बोलते हैं ओपन ये ऑन को बोलते हैं क्लोज ये थोड़ा सा उल्टा बोलते हैं इसको ये क्लोज क्लोज मतलब ऑन होता है ये ऑन का मतलब देखो ये खुला हुआ है ये ध्यान से देखो ये सीओ देखो इसके बीच में जगह है बच्चों इसके बीच में क्या है जगह इसको अपन इस करंट से इस करंट में भेजने के बीच में इसको टच तो करना ही पड़ेगा तो इसके अंदर अपने क्या दिया ये पॉइंट है क्या डाल दिया पॉइंट तो ये वाला पॉइंट कौन सा वाला पॉइंट डाला ये वाला ये और हो गया बार निकला ऑफ हो गया बार निकला ऑफ हो गया क्लियर है चीज तो ये चीज होगी अपने पास क्या है प्लग की इसको क्या बोलेंगे प्लग ऐसे टू वे भी आती है एक इसके पास और आता है उसको टू वे अपन बोलते हैं अपन फोर्थ क्लास में यूज करेंगे अभी अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस डीओ स्पीड तुम लोगों ने सुना होगा जैसे फैन की स्पीड अपन कम ज्यादा करते हैं कूलर की स्पीड कम ज्यादा करते हैं तो वो कैसे होता है वो रेजिस्टेंस को क्या करता है वेरी करता है तो वेरिएबल रेट हो गया वेरिएबल का मतलब ये कम ज्यादा करता है कम ज्यादा करने के लिए अपन क्या लगाते हैं डीओ स्पीड इसका नाम बोलो वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलो या डीओ स्पीड बोलो इसका सिंबल ऐसा होता है जीरो होता है ये ऑनली रेजिस्टर है रेजिस्टेंस आप रेजिस्टर का तो पहले अपन पढ़ा नहीं आप जस्ट अभी पढ़ने वाले तो ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ऐसे लाइन खींचेंगे अपन यदि सिंपल सिंपल है तो वो फिक्स वाला रेजिस्टेंस ठीक है ऊपर लाइनिंग है इसको ऐसे बनाओ चाहे इसको अपन कैसे बनाओ ऐसे बनाओ ये जो दोनों में से एक इसको अपन आर एच बोलते हैं रियल स्टेट क्या बोलते हैं आर एच ऑनली रेजिस्टेंस को आर लिखते हैं और इस रेजिस्टर को वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपन क्या लिखेंगे आर एच ये कैसा होता है ये ऐसा होता है कैसा होता है ठीक है इसके अंदर देखो ये पॉइंट है स्टार्टिंग यहां से अपन स्टार्टिंग करेंगे और एक पॉइंट यहां पर करेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर जोड़ेंगे एक बार यहां एक यहां अपन यहां रखेंगे इसको तो ये मिनिमम रेजिस्टेंस है देखो यहां से जोड़ेंगे इसके अंदर करंट इसे घूमता जाएगा ये रेजिस्टर वायर लगा हुआ है घूमता जाके यहां पर आएगा तो बहुत वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो जैसे जैसे अपन इधर बढ़ेंगे रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ेगी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी ये बड़ी ये वापस घटी रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी क्या फर्क पड़ेगा वो भी अपन आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस उसके बाद आता वोल्टमीटर भी थोड़ी देर पहले बताया था वोल्टमीटर क्या काम करता है वोल्टमीटर वोल्टेज को मेजर करता है ये आया बच्चों वोल्टमीटर कौन सा आया ये क्या है अपने पास वोल्टमीटर इसके अंदर देखो कैसे पता चला वोल्टमीटर इसके अंदर वी लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है वी इसके अंदर ये रेड वाला प्लस हो गया ब्लैक वाला क्या हो गया माइनस इसको अंदर एक यहाँ पर टच करेंगे यहाँ टच करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा वोल्टेज आ जाएगा जो भी वोल्टेज है अब इसके अंदर लिमिट लगी हुई है देखो जीरो से फाइव वोल्ट तक अपने इसके अंदर मेजर कर सकते हाई वोल्ट से ज्यादा इसके अंदर मेजरमेंट नहीं कर सकते कोई थ्री वोल्ट का भी आता है कोई ज्यादा वोल्टेज का है तो वो ज्यादा मेजरमेंट करेगा ठीक है उसके बाद में वोल्टमीटर का लिखेंगे कैसे ये वी क्या लिखेंगे वी इसमें एक प्लस होता है माइनस अमीटर को क्या लिखेंगे अमीटर को ये लिखेंगे क्या लिखेंगे एक ये एक प्लस और एक माइनस कैसा होता है ये ऐसा होता है ये ऐसा इसके अंदर ये लिखा बस सिंपल इसकी रेंज क्या है जैसे इसमें 1.5 है क्या है 1.5 तो ये 1.5 एम्पीयर तक अपने इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं ऐसे लैब में अपने बहुत सारे एमीटर वोल्टमीटर पड़े आप जब भी वापस स्कूल आएंगे आपको इसमें प्रैक्टिकल भी करवाएंगे और लोग आ गए हैं वो प्रैक्टिकल भी है सारे आराम से देख सकते हैं लोग ये वोल्टमीटर हो गया और एक इसके साथ में और लेके आया हूँ जो इसके अंदर दिया हुआ नहीं है अपन फिर भी अपने सिलेबस में फिर भी लिख लेते हैं अपन गैल्वेनोमीटर क्या लिख लेते हैं बच्चों गैल्वेनोमीटर जिसको किसे लिखते हैं जी से किसे लिखते हैं जी से ये प्लस माइनस ये क्या काम करता है देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कुछ इसमें और इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये वोल्टमीटर एमीटर में एक जैसे ही दिखता है ऑनली वी की जगह ही आएगा लेकिन गैल्वेनोमीटर इसमें डिफरेंस है क्या है बच्चों देखो दिमाग लगाओ एक दो सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास दिमाग लगाओ कि इसमें क्या डिफरेंस है किसी को कुछ पता चला यदि जिसको डिफरेंस पता चलेगा वो कमेंट बॉक्स में डालेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है ठीक है अब जिसको नहीं पता चला वो देखेगा इसमें देखो ये जीरो किधर है इधर है लेकिन इसमें जीरो किधर है बीच में ये दोनों साइड डिफ्लेक्शन बताने वाला है ये वन साइडेड है तो इसको रख दो नीचे इसमें दोनों साइड जीरो बीच में क्यों है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ करंट की डायरेक्शन बताता है क्या बताता है मैंने इधर प्लस इधर माइनस लगाया मान लिया इधर आया डिफ्लेक्शन किधर आया इधर तो मैं प्लस को इधर ले आऊं माइनस को उधर उल्टा कर दूं तो डिफ्लेक्शन फिर उधर नहीं आएगा किधर आएगा क्योंकि ये क्या बताता है करंट की डायरेक्शन बताता है ये ध्यान रखना गैल्वेनोमीटर है वो करंट की डायरेक्शन को शो करता है इसलिए अगर उसको गैल्वेनोमीटर बोल देते ये ध्यान रखना क्लियर है इसमें चीज किसी को दिक्कत को डाउट नहीं होना चाहिए उसके बाद में सबसे मस्त वाली हेडिंग अपनी आती है बोर नहीं होना है बहुत ही अच्छी हेडिंग है लास्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे और स्लो उसके बाद में नई क्लास में पढ़ेंगे तो ये देखें नेक्स्ट हेडिंग है अपनी क्या
ओम्स लॉ, क्या है बच्चों ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अंदर बहुत सिंपल ओम्स ने क्या बताया है बच्चों, बहुत ही सिंपल चैप्टर है ओम्स लॉ टॉपिक, सॉरी ओम्स लॉ क्या बताया कि इसने कोई भी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, वोल्टेज और करंट अपन ने पिछली दो चीजें पढ़ ली, तो वो करंट कब ज्यादा होगा, कहाँ ज्यादा फ्लो होगा, कब कम फ्लो होगा उसको इसने बताया। जैसे इसने बताया कि एक वायर लिया, एक और वायर लिया, उसके बाद एक और वायर लिया, इसकी इच्छा होगी तीन वायर लड़ेगी, मान लिया यहाँ 10 वोल्ट वोल्टेज है या 12 वोल्ट है या 10 वोल्ट है, मान लिया सब पे फिक्स है, या 20 वोल्ट है और या कितना 30 वोल्ट। बच्चों देखो इन तीनों में कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ दिखने के बाद देखो कुछ कुछ होगा कि इसका मैं तो पूछूंगा सर का वोल्टेज डिफरेंस फाइंड करो, तो धड़ाम से करोगे कि सर 12 - 10 = 2 वोल्ट, ये होगा डिफरेंस, तो ये होगा ना 20 - 10 = 10 वोल्ट, 30 - 10 = 20 वोल्ट, ये तीन तीन हो गए, क्या हो गए तीन तीन डिफरेंस हो गए। अब देखो सबसे बड़ा बड़ा डिफरेंस किसका, सबसे बड़ा इसका, उसके बाद इसका और उसके बाद इसका, मतलब सबसे छोटा बड़ा बड़ा, इससे क्या हुआ, इससे ओम जी ने देखा कि जिसके अंदर ज्यादा करंट, जिसके ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस है, जिसमें ज्यादा वोल्टेज का डिफरेंस हमेशा करंट का फ्लो हाइट फ्लो ही होता है, तो इसके अंदर इधर से इधर, इसमें भी इधर इधर इधर, लेकिन तीनों में करंट जो फ्लो होगा सबसे ज्यादा किसमें होगा, शू में होगा, उसके बाद इसमें होगा, उसके बाद इसमें, और चौथा वायर इसमें देखा कि इधर भी 10 वोल्ट इधर भी क्या है 10 वोल्ट, तो इसमें देखा इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इसने पता किया कि जहां पे जिस वायर के अंदर वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा होता है, जिन दो पॉइंट के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसमें से करंट उतना ही ज्यादा फ्लो होगा, ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, जिस कंडक्टर के अंदर वोल्टेज का डिफरेंस ज्यादा उसमें से करंट फ्लो ज्यादा, जिसमें पोटेंशियल या वोल्टेज का डिफरेंस कम वहां पर करंट फ्लो कम, और जहां पर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं, ये चीज ध्यान रखना। जैसे पानी की टंकी होती है अपने यहाँ पर रख देते, एक और ऊपर रख देते और ऊपर रख देते और एक 25 वाली मंजिल पर रख देते, तो जितनी ज्यादा ऊपर ऊपर रखेंगे तो नीचे आने वाले पानी का उतना जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि वहां का और यहाँ का डिफरेंस क्या है ज्यादा, वैसे वैसा मामले ने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा फ्लो करंट उतना ज्यादा, लेकिन इसके अंदर एक कॉन्स्टेंट एक कंडीशन फिक्स होनी चाहिए, वो क्या है इसकी फिजिकल कंडीशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर प्रेशर लेंथ एरिया इटीसी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या होनी चाहिए कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए ये क्या होनी चाहिए रिमेंस कॉन्स्टेंट ये होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी करेगा इसको कि V proportional to I, इसका फॉर्मूला क्या बताया इसने V proportional to I, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो होता है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चों प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं प्रोपोर्शनल, क्यों प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा साथ साथ अपना बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी क्या घटेगा, ये चीज ध्यान रखना। जब जब प्रोपोर्शनल हटता है, जब जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कॉन्स्टेंट लगता है, उस कॉन्स्टेंट को अपन बोलते हैं आर, क्या बोलेंगे आर है, जो आर है वो क्या है, आर है वो क्या है प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है, क्या है बच्चों प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट, इसको अपन क्या बोलते हैं इट्स कॉल्ड, इट्स अ कॉल रेजिस्टर, क्या बोलते हैं इट्स कॉल्ड रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर होता है आर होता है, ये याद रखना है इस V और I का फॉर्मूला, V इक्वल टू आई आर बाई, क्या है V इक्वल टू आई आर बाई आई क्वार, वे V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट, R क्या है रेजिस्टर, उसके बाद में क्या अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चों ये ग्राफ बनाएंगे I और V, सॉरी इधर आई इधर वी, इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो जीरो आएगा, कैसा आएगा ये प्रोपोर्शनल, आपको पता है जो प्रोपोर्शनल होता है बच्चों तो उसमें ग्राफ हमेशा सीधी लाइन जाता है, कैसे लाइन जाता है दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन जाती है, ये इसके बीच में क्या हो गया ग्राफ हो गया, इसके अंदर तुम डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के बाद में ये फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद में ग्राफ बनाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे फर्स्ट ओम्स लॉ का डेफिनेशन लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर, फिजिकल कंडीशन ऑफ ए कंडक्टर सच ए टेम्परेचर प्रेशर लेंथ एरिया रिमेंस कॉन्स्टेंट देन करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर
is directly proportional to potential difference of across its end. Across होगा एंड के दोनों के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा. ये आंसर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए. इसके बाद में ये बनाना वी गुड या जो ये ओके. इसका अपन एक प्रैक्टिकल जो सर्किट डायग्राम है उसको अपन कैसा बनाएंगे. इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ये सेल लगा दिया, ये की लगा दिया और ऑटोमेटिकली और इसमें करंट को कम ज्यादा करने के लिए उसको क्या लगाते हैं यूएस पे. अभी अपन पढ़ा इसको क्या लिखते हैं आरएच लिखते हैं. ये ध्यान रखना इसके ऊपर टच हुआ होना चाहिए तभी काम करेगा, ऊपर नहीं होना चाहिए. ये इसके अंदर मान लिया क्या लगा दो बल्ब लगा दो, क्या लगा दो बल्ब लगा दो. ये अपना सर्किट डायग्राम है वो सॉरी बल्ब लगा दो या फिर इसको इसके अंदर क्या लगा दो एमीटर लगाओ. क्या लगाओ पांच लोगों का सर्किट डायग्राम बनाना चाह रहा है एमीटर और ये क्या लगा दो रेजिस्टर. क्या लगा दो रेजिस्टर और इसके अंदर ये क्या लगा दो वोल्टमीटर. क्या लगा दो पॉजिटिव नेगेटिव ये आर ये पॉजिटिव नेगेटिव ये प्लस माइनस की को अपन क्या बोलते हैं के. ये बैटरी ऐसे है इसको बी लिख दो. पहले ना चीज ये ध्यान रखना ये एमिटर है ये हमेशा सीरीज में रहता है. क्या लगता है सीरीज में. सीरीज मतलब तार के बीच में सीरीज पैरेलल आ गया है और बीच में ये वी है वो हमेशा किस में रहता है पैरेलल में रहता है. किस में रहता है पैरेलल में रहता है. याद रखो पैरेलल मतलब इसके साथ में बराबर. जैसे अपन प्रेयर करते हैं ना तो एक ही लाइन में जो बच्चे क्लास में खड़े रहते हैं ना पीछे प्रेयर में तो वो क्या होते हैं सीरीज होते हैं. एक क्लास के पास में एक क्लास होती है वो क्या होता है उसको पैरेलल बोलते हैं. क्या बोलते हैं पैरेलल बोलते हैं. ये चीज ध्यान रखनी सर्किट डायग्राम याद रखना इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन नेक्स्ट कल पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी. ये रेजिस्टर ये एक रेजिस्टर देख लेना कि रेजिस्टर क्या होता है. किसी भी कंडक्टर के अंदर जो किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जो उसके अंदर करंट फ्लो का क्या करता है ऑपोज करता है. क्या करता है ऑपोज द फ्लो ऑफ करंट. प्रॉपर्टी ऑफ ऑपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सॉरी रेजिस्टेंस. इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम होती है. क्या होती है ओम. ये इतना सा याद रखना तुम लोगों को. रेजिस्टर है रेजिस्टर की यूनिट क्या होती है ओम. आर क्या करता था ऑपोज करता किसका ऑपोज द फ्लो ऑफ और जिसका जैसे कॉपर है सिल्वर है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है बहुत ही कम होता है. बहुत ही क्या होता है कम होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है इसलिए उसमें करंट इजिली फ्लो होता है. इस आर की जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वो क्या होती है ओम होती है. क्या होती है ओम का अपन कैसे लिखते हैं. कैसे लिखते हैं बच्चों ये होता है ओम. क्या होता है ओम. इसके रेजिस्टेंस को इससे अपन रिप्रेजेंट करेंगे. ये रेजिस्टेंस है और वो क्या वेरिएबल रेजिस्टेंस था जो 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 ऊपर लाइन वाला था ना उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. ये जो अपन बताया था रियल स्टेट वाला ये फिक्स रेजिस्टेंस इस बार लिखते हैं. ये क्या है ओम. इसकी यूनिट क्या होगी ओम. इसकी वैल्यू किस किस बातों पर डिपेंड करेगी वो भी चलो आज कर लेते हैं. उसके बाद में अपन रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है वो अपन कल पढ़ेंगे. तो अपन इसका पढ़ लेते हैं कि ऑन विच फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिपेंड्स. तो आपको फैक्टर बताना है. क्या बताना है फैक्टर्स बताना है कि ऑन विच एडिंग है ऑन विच फैक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड्स. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डिपेंड्स. तो सबसे फर्स्ट है लेंथ. किसके प्रोपोर्शनल होता है लेंथ. तो एडिंग डाल सकते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर. लेंथ ऑफ कंडक्टर. कंडक्टर की लेंथ के क्या होगा ये प्रोपोर्शनल होगा आर प्रोपोर्शनल टू एल. मतलब किसी भी वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा. सेकंड है क्रॉस सेक्शन एरिया. क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया. तो क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया. क्वेश्चन नंबर सेकंड आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ई. जितना मोटा वायर होगा जितना मोटा वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा. जितना छोटा वायर पतला वायर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा. याद रखना. थर्ड है टेम्परेचर. अब टेम्परेचर पर कैसे किसी डिपेंड करता है. जो देखो हर कंडक्टर के अलग अलग प्रॉपर्टी है. कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसके साथ टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ता है कुछ ऐसे होते हैं जिसके टेम्परेचर रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है कम होता है. तो ये चीज डिपेंड करेगी ऑन टेम्परेचर. और लास्ट है नेचर ऑफ मटेरियल. क्या है नेचर ऑफ कंडक्टर या मटेरियल. ये कैसे आयरन का बना हुआ है या सिल्वर का बना हुआ है गोल्ड का बना हुआ है या एल्यूमिनियम का बना हुआ है किसका बना हुआ है नेचर पर डिपेंड करेगा. तो अपन इसको एक साथ लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों बहुत सिंपल है बचपन वाली बातें हैं बहुत ही इजीली तुम्हें समझ में आएगी. और ये वीडियो तुम लोगों को क्या करना है ज्यादा से ज्यादा के साथ शेयर करना है अच्छे से तुम लोगों को बताना है उनको भी आर प्रोपोर्शनल टू एल. फर्स्ट
तो परपोशन हटेगा, जहां जहां परपोशन हटेगा वहां वहां कुछ लंच आएगा भैया, क्या है ये आया, उसको अपन क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, रो। ये भी परपोशनल कॉन्स्टेंट है, क्या है, परपोशनल कॉन्स्टेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो। ये है वो, क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, क्या होती है, रेजिस्टिविटी। इसको अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम ये समाप्त करेंगे कि इसके अंदर अपन जैसे आर प्राइम का काम देखना चाहिए, इसके बीच में ये जो तुम्हारे सिलेबस से बढ़िया वाली अच्छी वाली बात है, आर प्रोपोर्शनल को क्या है, तो इसमें क्या है, प्रोपोर्शनल को लिखना है और ए के साथ देखेंगे, अब वो पता है आर इनवर्स के प्रोपोर्शनल ए है, तो इसके अंदर कैसे आएगा, जीरो आएगा। इनवर्स में हमेशा ऐसा ग्राफ आएगा और प्रोपोर्शनल में हमेशा ऐसा ग्राफ आएगा। ये सदाबहार बात है, ये क्या है, सदाबहार बात है, इसको याद रखना है। और 10th क्लास इंग्लिश में बच्चों तुम्हें आज की क्लास अच्छी लगी होगी, यदि किसी प्रकार का तुम्हें डाउट है बिल्कुल बिना घबराए तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो नीचे में, और यदि नहीं उसमें भी नहीं तो आप डायरेक्ट उसे अच्छे से जानकारी हुई अच्छे से कॉन्टेक्ट करेंगे, और अपने आस पास में भाई बहन जो भी दूर से आए हुए दूसरे स्कूल से, क्योंकि ऐसी व्यवस्था आपके भीमान की रिलेटेड स्कूल ने व्यवस्था कर रखी है, तो उन बच्चों को भी बताएं, वो भी इसका फायदा उठाएं। और नए सेशन की क्लास लगभग अपन जुलाई में स्टार्ट अपनी लगभग हो जाएगा, कि लॉकडाउन अपना खुल गया, अपन जुलाई में एक क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तब तक तुम अच्छे से दो चार चैप्टर करो और तुम्हें कोई डाउट होगा तो पूछो, उसके बाद अपन इसको एक बार रिवाइज करके नया सिलेबस अपन स्कूल से स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास ये समाप्त करते हैं, धन्यवाद।